आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। अब सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनके पदस्थापन को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो अपडेट आते रहती है। आज भी एक अपडेट आई है, चलिए देखते हैं उनके पदस्थापन को लेकर कौन सी अपडेट की मैं बात कर रही हूँ। स्कूलों में छात्रों के अनुपात में ही होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग छात्रों के अनुपात में होगी। स्कूलों को टैब मिलेंगे। बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से शिक्षा विभाग 5-5 स्कूलों की सूची प्राप्त कर उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत संरचना से उपलब्ध करा उत्कृष्ट बनाया जाएगा। स्कूलों के इंस्पेक्शन में शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति की गणना मोबाइल ऐप से होगी। शिक्षकों की उपस्थिति की जाँच के लिए फोटोयुक्त व्यवस्था भी की जा रही है। अपने इन फैसलों को शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही में शामिल किया है। आपको याद दिला दूं कि यह राज्य स्तरीय बैठक शुक्रवार को हुई थी, उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी शामिल थे। उसकी कार्यवाही अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी हुई है। इसके मुताबिक शिक्षकों की पोस्टिंग छात्रों के अनुपात में होगी। रोस्टर का अनुपालन करते हुए स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की पोस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों की रिक्ति के लिए आवश्यक रोस्टर वर्तमान में जिला स्तर पर लंबित है। इसे एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक शिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए विद्यालयों को चिन्हित कर उसके सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग के बीच समन्वय भी कायम होगा। इसके साथ ही बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सदस्यों से 5-5 स्कूलों की सूची प्राप्त कर आधारभूत संरचना के मामले में उसे उत्कृष्ट बनाए जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूल स्तर पर टैब खरीदने का निर्देश दिया गया है। जब तक टैप का क्रय नहीं किया जाता है तब तक अपने मोबाइल या किसी एक शिक्षक के मोबाइल फ़ोन से ही सभी फ़ोटो अपलोड किए जाएंगे। स्कूलों के इंस्पेक्शन में जाने वाले शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि उपलब्ध कराए गए फर्नीचर एवं बर्तन की जांच जरूर करें और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी यह भी देखेंगे कि स्कूलों में साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षाएँ ली जा रही है या नहीं। बच्चों को दिए जाने वाले होमवर्क भी इंस्पेक्शन पर जाने वाले अधिकारी देखेंगे। स्कूलों के इंस्पेक्शन में मोबाइल ऐप से शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति की गणना से यह पता चलेगा कि कौन कौन शिक्षक उपस्थित है और कौन शिक्षक कब उपस्थित हुए। यह जानकारी मोबाइल ऐप से ली जाएगी। लापरवाह पाए जाने पर शिक्षकों का वेतन तो नहीं कटेगा, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, पहले चेकिंग में आने पे शिक्षक अनुपस्थित रहते थे तो उनका वेतन स्थगित कर दिया जाता था, लेकिन अब उन पे कार्रवाई होगी, वेतन स्थगित नहीं किया जाएगा। अटेंडेंस टैब से बनेगा, जब तक टैब नहीं मिलता है तो स्कूल में किसी एक शिक्षक के मोबाइल से सभी शिक्षकों का अटेंडेंस बनेगा या अपने अपने मोबाइल से बनेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है, इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।